हेलो बच्चों, मैं अमित प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर, आपको पता हो बहुत समय के बाद हमारी ये क्लास चालू हो रही है। डियर बच्चों, आपको पता भी होगा कि यूपी पुलिस भर्ती में जो साइंस आती है उस साइंस पर आज हम बात करेंगे आपसे। और साइंस के जो क्वेश्चन लेके आए हैं ये समझ लीजिए, आपको कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PYQ है, जो आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। चलिए तो हम एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। वीडियो छोटी होगी आज, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद पढ़ाना प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी कुछ कारणों की वजह से क्लासेस स्टॉप रहीं, ना तो कोई बोर्ड लेवल से ले पाया ना कोई कुछ ले पाया, लेकिन आज से क्लासेस सिर्फ कंटिन्यू चालू होंगी आपकी। ठीक है, तो आपकी बहुत दिनों के बाद ये पुलिस एग्ज़ाम के लिए पहला आपकी वो है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके लिए। ठीक है, आप देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया है कि एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखता है, यह किस चीज़ का उदाहरण होता है। तो डियर आपको बता दें, आपका जो स्विमिंग पूल बना होता है, उसकी जितनी गहराई होती है, सपोज देर गहराई 5 फीट है या 4 फीट है, तो स्विमिंग पूल की जितनी भी गहराई होती है उस वास्तविक गहराई से वो हमें देखने में ऐसा लगता है, मतलब ये जो धरातल होता है ना, ये धरातल थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है हमें। आपने देखा भी होगा पानी में को अभी कभी झाँक कर देखा हो, आपको लगता हो कि ऊपर ज़मीन है, मतलब आपको हल्का वास्तविक गहराई की कम दिखाई देती है। ये गहराई कम क्यों दिखाई देती है? क्वेश्चन कहता है कि एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? तो आपको बता दें, यह उदाहरण वास्तविक रूप में अपवर्तन का है। किस चीज़ का है? उदाहरण है अपवर्तन का। अब आप एक्सप्लेन भी ले लीजिए हमसे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि एक्सप्लेन की यदि हम बात करें तो हमने कहा कि ये उदाहरण जो था वो आपके अपवर्तन का था। किस चीज़ का था? अपवर्तन का। किस चीज़ का था? अपवर्तन का, मतलब या आपको आपने देखा होगा ये चीज़ें उदाहरण किस चीज़ की होती है? अपवर्तन का होता है। देखो यहाँ अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन का मतलब है कि सपोज दैट एक माध्यम ये हुआ हमारा वायु, ठीक, और एक माध्यम हमारा हुआ ये इस तरह समझ लीजिए जल, दो माध्यम है, और यहाँ हमने सपोज दैट डाल दिया लंब। तो आपको पता है वायु कैसा माध्यम होता है? वायु आपका विरल माध्यम होता है। वायु कैसा माध्यम होता है? आपका विरल माध्यम। वायु होता है विरल माध्यम, और जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है और सघन माध्यम में जाती है, तो आपको पता है अगर कोई किरण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो होता क्या है? अभिलंब की ओर क्या हो जाती? झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती हैं। ये अपवर्तन होता है, ऐसा इसलिए हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन लिखा है प्रकाश का अपवर्तन एक बार दूसरे माध्यम में जाने पर होता है, क्योंकि दोनों माध्यम प्रकाश चाल भिन्न भिन्न होती हैं, और यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से क्या होती? जो अभिलंब जो हमने बनाया है जिससे दूर हट जाती, ये बताना है। और कहा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह कहलाता है विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक कम होती है वह कहलाती है सघन माध्यम। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है? इस एक्सप्लेन को पढ़ लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई समस्या हो तो आप बताइए। आगे देखिए ना, मैं आगे की बात करूँ तो मैंने कहा स्विमिंग पूल की गहराई जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक होती है, ऐसा प्रकाश या अपवर्तन के कारण होता है। ये पॉइंट मैंने आपको जानकारी दे रहा था, क्योंकि आप स्विमिंग पूल ही क्या, काफ़ी कुछ चीज़ें देख लीजिए जो बनाई गई हैं, उसमें आपको यही लगेगा कि ये इसकी गहराई इतनी नहीं है, हमें वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देती है, लेकिन होता यही है। तो ये सब क्या होता है? अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है? अपवर्तन की काफ़ी घटनाएं हमने आपको दी भी हैं जिससे आप देख सकते हैं अच्छे से। देखो ये है आपकी, देखो अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मरीचिका जो बनती है, मरीचिका का निर्माण क्या है, मरीचिका कहलाती क्या है, इस बात को थोड़ी सी जानकारी आप जानते होंगे।
आप देखो कभी कभी गर्मियों के मौसम में जब आप हम लोग या आप लोग हाईवे जाते हैं, तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई फोर व्हीलर चलाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत दूर से, आपको बहुत दूर से ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वहाँ पर पानी भरा है या पानी वहाँ है, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये मरीचिका कहलाती है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार आप गए होंगे तो आपने देखा होगा रोड पर, सड़क पर, आप गर्मियों में बड़ी मई जून के माह में आपने देखा होगा कि बहुत दूर हमारी गाड़ी है, लेकिन हम देखते हैं कि लगता है बहुत दूर पानी भरा हुआ है या पानी सड़क पर है, इसे झिलमिल टाइप है, उसे बोलते हैं मरीचिका। तो मरीचिका किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात ध्यान देना। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव आपका होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है टिंडल प्रभाव? का होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का, ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इंद्रधनुष बनता है तो आप जानते हैं प्रकाश का विक्षेपण द्वारा। हर बच्चे जानते हैं इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्योंकि आप बरसात के मौसम में देखते हैं जब पानी कम वो हो जाता है, इसके पास पश्चात बादलों में 7 अवयवी रंग दिखाई देते हैं हमें, उसी वही प्रकाश इंद्रधनुष कहलाता है हमारा, रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष निर्माण वाण विक्षेपण। स्विमिंग पूल में जल उथला हुआ दिखाई देता है, उथला मतलब ऊपर दिखाई देता है, इसी प्रकार तो प्रकाश का अपवर्तन। मतलब ये चीज़ें ध्यान देना है कि मरीचिका किसके द्वारा होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टिंडल प्रभाव के द्वारा होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष वाण विक्षेपण, स्विमिंग पूल प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ आ गई? अगर समझ में आए तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके साइंस से के सभी क्वेश्चन आपके जो कांस्टेबल में हो, चाहे ASI में हो, चाहे SI में हो, चाहे किसी में भी हो, साइंस के सभी क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको दूंगा और आपको अच्छे से अच्छे बनने की गारंटी देता हूँ। और यहीं से सभी क्वेश्चन आपके फंस भी जाएंगे, क्योंकि ये PY की वे बाबू। ठीक, चलते हैं आगे। अब आइए अगले दूसरे क्वेश्चन पर हम आए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? तांबे की तुलना में कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील है? तो अधिक क्रियाशील तत्व तो जानना है हमें, तो ये ध्यान देना, ये एक सीरीज याद करके चलना है आपको। क्या चलना है थोड़ी सी आप बता देता हूँ, बाकी तो यहाँ लिखा होगा। जैसे क्या यहाँ लिखा? ले, फिर लिखा के, भारत सरकार का नाम मोदी जी, एल्यूमिनियम, अब कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे, मंगवाई जनता करे फिर क्रोध कोई नहीं समझ, और तो लिखा दे रहे हैं थोड़ा सा पावे, ठीक है क्यों मरा सिल्वर पिटा सोना। ये आप एक सीरीज याद कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या कहने का मतलब है कि ये सीरीज से आप सभी जो अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है सब, जैसे आपको समझ में ना आ रहा हो लिख के तो एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं। ले के भारत सरकार का नाम मोदी जी, एल्युमिनियम मंगवाए जनता करे फिर क्रोध कोई नहीं समझ, कहाँ गया पावे है क्यों मरा सिल्वर पिटा सोना। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान से समझने का प्रयास कर लेंगे, इन्हीं से हम आपको क्लियर करते हैं थोड़ा। एक मिनट लगे गुजरना, चलिए यहाँ समझना था। तो ले का मतलब है LI, ठीक, के का मतलब है के, भारत का मतलब है BA, सरकार का मतलब है SR, का मतलब है CA, नाम का मतलब है NA, सोडियम, मोदी जी का मतलब है MG, एल्यूमिनियम का मतलब है AL, मंगवाई का मतलब है MN, जनता का मतलब है ZN, और करे का मतलब है CR,
और फिर का मतलब है एफ ई, क्रोध का मतलब है सी डी, और कोई का मतलब है सी ओ, और नई का मतलब है एन आई, समाज का मतलब है एस एन, और पावे का मतलब है पी वी, है का मतलब एच, क्यों का मतलब सी यू, और मरा का मतलब है मरकरी। ठीक, तो आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्क चल नहीं पड़ा है। एल ए का मतलब एल आई, के का मतलब के, भारत का मतलब बी ए, सरकार का मतलब एस आर, का मतलब सी ए, नाम का मतलब एन ए, मोदी जी का मतलब एम जी, एल एम का मतलब ए एल, मंगवाए का मतलब एम एन, और जन मंगवाए, और जनता का मतलब है जेड एन, करी का मतलब सी आर, और फिर का मतलब एफ ई, क्रोध का मतलब सी डी, कोई का मतलब सी ओ, नई का मतलब एन आई, समाज का मतलब पी वी एस एन, हाँ पी वी लिखो एस एन लिखा, और पावी का मतलब पी वी, और है का मतलब एच, क्यों का मतलब सी यू, मरकरी मतलब मरा का मतलब मरकरी अर्थात एच जी, सिल्वर का मतलब ए जी, और पेटा का मतलब पी टी, सोना का मतलब ए यू। अब जो धातु जिससे अधिक ऊपर है, जैसे हमने कहा पोटेशियम से ऊपर कौन सी धातु है, एल आई, तो एल आई सबसे अधिक क्रियाशील, एल आई के से अधिक क्रियाशील है, बी ए से अधिक क्रियाशील है, एस आर से, मतलब ये जान लीजिए जो धातु जिस धातु के ऊपर है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी। ठीक है, जो धातु जिन धातु के ऊपर है वो अधिक क्रियाशील होगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन उधर तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो तांबा का हो मतलब कॉपर, तांबा का कहलाएगा कॉपर, तो देखो लिखा है क्यों, और तांबे से ऊपर जो धातुएं हों, तांबे से ऊपर का है एच बी है, पी बी भी है, एम एन भी है, जेड एन है, सी आर है, पी है, अब यहाँ जो होगा वही होगा जेड एन है, तो भाई कर दे, देखो आप देखिए, तो कहा तांबे की तुलना में, तांबे की तुलना में सबसे अधिक धातु है वो है जिंक, क्योंकि कॉपर जो धातु ऊपर स्थित होगी वो अधिक क्रियाशील है, जो धातु कम नीचे स्थित है वह कम क्रियाशील। अभी मैं लिखा हुआ भी दे रहा हूँ आपको, परेशान होंगे सर समझ नहीं पा रहा सही से, आपको सब समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि एक रीजन है यहाँ से ऊपर चलता नहीं है ये, इसे डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आंसर समझ में आ गया होगा। अब आप खुद देख लीजिए, लिखा है कि तांबे की तुलना में जद जस्ता अर्थात जिंक, तांबा मतलब कॉपर और जस्ता मतलब जेड एन, की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तांबे धातु की तुलना अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन से तांबे को विस्थापित कर सकता है, इस बात ध्यान देना, और जस्ता पर नीचे मौजूद धातुओं को श्रृंखला से विस्थापित कर सकता है। कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले भी कहा है, जो धातु जिस धातु के ऊपर स्थित होगी वो अधिक क्रियाशील होगी, और जो नीचे स्थित होगी वो कम क्रियाशील होगी। जहाँ पर आपका जेड एन जो है अधिक क्रियाशील है, क्योंकि कॉपर नीचे स्थित है इसकी, इसलिए जेड एन चाहे तो जेड एन प्लस, यदि हमने सी यू एस ओ फोर की क्रिया कराई तो होगा क्या, जेड एन गया सी यू को आराम से विस्थापित कर देगा और जेड एन एस ओ फोर बना लेगा। लिखा भी है तांबे धातु तुलना अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट की विलयन से तांबे को विस्थापित कर देते हैं, कर दिया ना कॉपर सल्फेट तांबे को, ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ बात मेरी आई हो। आगे देखो, आपके सब पूरा लिखा है सीरीज, क्या लिखा है कि दी गई प्रतिक्रियाशील श्रेणी में किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता ऊपर नीचे ओर घटती है, तो ये सब क्रियाशीलता का क्रम लिखा है, आप ध्यान रखते हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं आप, हाँ जो धातु ऊपर स्थित है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे स्थित है वो कम क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील होने के कारण वह नीचे स्थित अपनी धातु को अपने से अलग कर सकती है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन है तीसरा, किस पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सभी के सभी एक्सप्लेन भी हैं, सब कुछ है, जैसे भाषा समझ में ना आने के पश्चात ही एक्सप्लेन अच्छे से देख सकते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो डियर गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डियर गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आपने देखा होगा हमारी जो रोटी होती है घर पर माता जी जो बनाती हैं या बहनें बनाती हैं, तो आपने देखा क्या है कि रोटी जो होती है उस रोटी में जो फूली हुई रोटी होती है, तो फूली हुई रोटी में यदि हम उंगली लगा दें तो बहुत ज़्यादा जल जाती है, उसका रीज़न क्या है कि उस फूली हुई रोटी में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए ऐसा होता है। वीडियो अगर अभी ये नहीं उतनी समझ में आ रही तो आप परेशान नहीं होंगे कि सर कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके बाद का आप दूसरा पार्ट देखना,
आपको और अच्छी फीलिंग आएगी। अभी बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाना प्रारंभ किया है क्योंकि अभी कुछ कारणों से 15-20 दिन वीडियो नहीं बनी, ना कोई कंटेंट तैयार हुआ, इसे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। ठीक है, आइए यहाँ क्वेश्चन ने कहा है, गुप्त ऊष्मा एक स्थिर तापमान प्रक्रिया के दौरान सामान्यतः प्रथम क्रम, इस थ्योरी को आदि आप पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा गुप्त ऊष्मा है क्या। ठीक है, आइए आगे देख ले रहे हम, यहाँ देख लीजिए अगर क्वेश्चन आए संघनन क्या है, क्वथन क्या है, गलन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता है। देखो तीन चीज़ें हैं आपकी, ठोस भी होता है, द्रव होती है और गैस होती है, सब जानते हैं। ठोस से कोई वस्तु द्रव में बदल जाए इसे बोलते हैं गलन, इसे क्या बोलते हैं, गलन, यहाँ लिखा भी गलन या संलयन, एक बहुत ही प्रक्रिया जो किसी प्रकार ठोस से तरल अवस्था बदलती है। जी कराते अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव बदल जाए तो वो कहती है गलन, और वही वस्तु द्रव से ठोस में चली जाए, कोई वस्तु द्रव से ठोस बदल जाए तो उसे बोलते हैं हेमन या हिमांक बोलते हैं। गलन किसे, ठोस से द्रव गलन, और द्रव से ठोस हो जाए तो हिमांक बोलते हैं इसको। ठीक, आप क्या कहते हैं क्वथन क्या है, वायु प्रक्रिया जिसके द्वारा एक तरल पदार्थ को गर्म करने पर बाद में, मतलब कोई जैसे लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड को गर्म करें और वो वाष्प में बदल जाए, अगर द्रव को गर्म करें और द्रव कहाँ बदल जाए, वाष्प में, तो समझ जाइए वो कहता है क्वथन, और वाष्प से वो द्रव में आ जाए तो इसे बोलते हैं संघनन। दोबारा बताऊं, ठोस से द्रव गलन, द्रव से ठोस हिमांक, द्रव से वाष्प क्वथन, वाष्प से द्रव संघनन, ये तीन चीज़ें चार चीज़ें आप ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ही का ही क्वेश्चन क्लियर होगा। मैं बार बार कहता हूँ आपको, मैं प्रयास कहूँगा, प्रयास नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया कर एक बार सबका आवाज़ कर लें, तो पूरा साइंस जितना नंबर का आपको चाहिए पूरा पूरा नंबर आपको मिलेगा जितना आप सोचे हों। निम्नलिखित में से कौन सा कवक दाद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है? आपको पता है दाद जो होता है, हमें दाद खुजली जो होती है वह फंजाई के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, किस द्वारा होती है, कवक। आपको सर कवक क्या है, तो आपने देखा हो अचार रोटी में, यदि आपने देखा हो वाइट वाइट थोड़ा ब्लैक टाइप में जमा हुआ दिखाई देता है, उसी को हम भूरे कलर में दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं कवक बोलते हैं, उसे हम फफूंद बोलते हैं। ठीक है, यह जो होती है यह आपके सूक्ष्म बीजाणु के कारण होती है। ठीक है, विब्रियो कोलेरी के द्वारा आपका हैजा होता है। ठीक है, आगे आपको बताएं जरा पूरा एक्सप्लेन, दाद खुजली सूक्ष्म बीजाणु के द्वारा होती है। आइए अगला देख लीजिए, कहाँ पर पूरा डिटेलिंग दी है आपको, क्या दी है कि सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोरम कवक की एक जाति है जिसके कारण टीनिया कैपिटिस, टीनिया कार्पोरेस, दाद एवं अन्य डर्मो टोफाइटिस होते हैं। सूक्ष्म बीजाणु मैक्रोकोनोडिया बड़ी अलैंगिक प्रजनन संरचना और माइक्रोकोनोडिया छोटे अलैंगिक संरचना दोनों को छोटे कोनेडियो फोरस पर बनाता है। ठीक है, ये इनकी संरचनाएं दी गई हैं। आपको वास्तविक रूप में जानकारी चाहिए तो इस वाली स्लाइड को आप देखिए अच्छे से। देखिए मैंने कहा विब्रियो जो है वो आपके ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव मतलब एक ग्राम और नेगेटिव, क्योंकि दो प्रकार के आपके जीवाणु होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव एक होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, इस बात ध्यान देना। सर्पिलाकार जीवाणु के बारे में लिखा, यहाँ कोकस के जीवाणु के बारे में लिखा, यहाँ जीवाणु के जान जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थी भी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके दी हैं, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, इससे हम देख लेंगे क्वेश्चन। आइए पाँचवा क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन हमने आज की स्लाइड में ली हैं, बाकी फिर हम अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लिख के देखेंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कह दिया तो कह दिया, टेंशन मत लीजिए, चलिए रुक रहिए आप। पादप के किस भाग को पौधों का खाद कारखाना कहा जाता है? देखो यहाँ देखना दो चीज़ें ध्यान देना आप, एक देखना है जाइलम, एक आपको ध्यान देना है फ्लोएम। ये ऐसे क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो चाहे जो हो आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा से, जीव वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा था, जा से होती है जड़ और जा से होता है जल। ठीक है, ध्यान देना, तो जाइलम का काम क्या होता है, जड़ से जल को ले जाता है और पौधे की पत्तियों तक पहुँचाता है। जा से जड़, जा से जल, जाइलम क्या करता है, जड़ से जल को लेगा और पत्तियों तक पहुंचा देगा।
फ्लोएम का मतलब होता है फूड, और फूड मतलब भोजन। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में बने भोजन को पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा, पादप के किस भाग को पौधों का खाद कारखाना कहा जाता है, तो बताइए हम किसको कहेंगे। फ्लोएम करता है फूड, तो फ्लोएम कहाँ है, पत्ती से लाता है। तो भैया आपका सी वाला राइट हुआ, खाद तो यही बनेगा ना, जड़ में तो बनेगा, जड़ से जल ले जाएगा, तना बनेगा, फूल बनेगा, पत्ती बनेगा। देखते हैं क्या होता है आगे, आइए एक्सप्लेन दिया गया होगा, देखो दिया गया अपना एक्सप्लेन क्या दिया, पत्ती को खाद कारखाने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि होता है फ्लोएम जो होता है पत्तियों में बने भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है। ये आपकी एक्सप्लेन लिखा है पूरा पूरा, नहीं लिखा है, कोई समस्या हो तो हमें बता देना कमेंट बॉक्स में, तो हम और अच्छे देखें, इनको एक्सप्लेन कर लेना आप लोग कंप्लीट। ठीक, आइए आगे देखो, एक पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है, कॉमन सी बात है, आप सब जानते होंगे कि पौधों के लिए जी वाला कॉमन क्या है, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड वाटर चाहिए, क्लोरोफिल भी होना आ सकता है, तभी पौधे सॉपोसी कहलाते हैं, आप इसे जानते होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को, आइए छठवां क्वेश्चन क्या कहता है डियर, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो पाचन में साधारण, तो क्या है, HCl है, बच्चा जानता होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसका फॉर्म नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला की बात करें, आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, HNO3 होता है, एसिडिक अम्ल की बात करें तो आपका होता है CH3COOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो होता है H2SO4। बात समझ आ गई, ये इनके रासायनिक सूत्र हैं, रासायनिक सूत्र है, HNO3 की बात करें तो ये प्रबल अम्ल है, HCl की बात करें तो प्रबल अम्ल है, H2SO4 की बात करें तो प्रबल अम्ल है, मतलब HNO3 HCl H2SO4 HCl HNO3 H2SO4 ये सभी के सभी तीनों के तीनों प्रबल अम्ल है, और जो आपका एसिटिक अम्ल है ये आपका दुर्बल अम्ल है। ऐसा ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो भाई दुर्बल अम्ल है एसिटिक अम्ल, और प्रबल आपका HNO3 HCl H2SO4, कुछ भी पूछ सकता है अभी सर, इस बात को आपका ध्यान देना है आपको। ठीक है, आइए आगे बात कर ले रहे हम आपसे अच्छे से, एक्सप्लेन भी आपको मिलेगा तो और पढ़ लेना। पाचन में HCl होता है, देखो ये लिखा, सबका लिखा ना, नाइट्रिक अम्ल के प्रबल अम्ल है लिखा ना, नाइट्रिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल है जिसका HNO3 है, इसे स्प्रिट ऑफ नाइटर और या एक्वा फोर्टिस के रूप में जाना जाता है, एसिडिक अम्ल को HNO1 अम्ल, एथिलिक अम्ल, सिरका अम्ल, मीथेन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, रासायनिक सूत्र सब लिखवाया मैंने जो अभी आपको बताया, विंट्रीओल कहते हैं इसको। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली स्लाइड को चलते हैं, देखो ये लिखा, इसको भी पढ़ना कि गैस्ट्रिक जूस में HCl अम्ल भोजन को तोड़ता है पाचक एंजाइम पोर्टिंग, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको लिया, क्योंकि ये जो HCl होता है ये अम्लीयता प्रदान करता है, और अम्लीयता के साथ साथ अगर हम बात शुरू करें तो अम्लीयता तो प्रदान करेगा, और साथ साथ में आपको ऐसी चीज़ें देगा वो आपको, ये समझ लीजिए कि बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है, इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, आइए सातवें नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने को खालिस्तान में मापा जाता है, कैसे मना जाता है, तो आपको पता है ध्वनि जो की तीव्रता होती है वो डेसीबल अर्थात जैसे हम डी बी लिखते हैं, डेसीबल में ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है, डेसीबल यहाँ होगा ये आपका। ठीक है, आइए ये देख लीजिए आप, आगे देखें, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन सी विटामिन का उत्पादन करता है, गट फ्लोरा द्वारा कौन सी विटामिन का, देखो विटामिन की स्लाइड अवश्य पढ़ना यहाँ दी गई होगी, देखिए ये जो विटामिन की स्लाइड दी गई है इसको अवश्य पढ़ना है आपको, क्योंकि विटामिन आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धन्यवाद को, इसलिए विटामिन की जितना भी हो सके इनके पढ़ना अवश्य आपको, देखो ये सब के सब लिखे, विटामिन डी कारण होता है परेशान हो, देखो विटामिन डी रिकेट्स होता है, विटामिन ए रतौंध होता है, विटामिन सी रिस्कर भी होता है, इसको पढ़ना है आपको, भूलना नहीं, परेशान नहीं होंगे आप। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या में बीमारियों और उनके स्रोतों को सांख्यिकीय अध्ययन किसके द्वारा होता है, प्रोटोलॉजी द्वारा होता है, इम्यूनोलॉजी और डायटेटिक्स हमारे साथ एपिडियोलॉजी है, स्लाइड की स्लाइड हम आपको दिए हैं जिससे आप लिख के लिखा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखा, मानव जनसंख्या में बड़ा सिस्टम
सांख्य अध्ययन किया जाता है। तो इसकी सभी के सभी विथ एक्सप्लेन के हम आपको भाईबोर्ड पर दिए। देखो महामारी विज्ञान जनसंख्या के महामारी विज्ञान जनसंख्या में स्वास्थ्य परिणामों के कारण को पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। इस संबंध का अध्ययन करने वाले पहले हिप्पोक्रेटस थे। जॉन गंटन ने बिल्लों को अध्ययन करने का कारण सुबह किया, अच्छा WHO के द्वारा दी गई है। अब देख लीजिए जो आपके क्वेश्चन वहाँ दी गए थे, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हैं। डायटेक्स क्या है ये बताया, इम्यूनोलॉजी क्या है ये बताया, प्रोटोक्टिलॉजी क्या है ये बताया। अब अच्छे से पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जब आप क्लियर करेंगे धीरे धीरे तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। जो डायटेक्स क्या है, इस बात का अध्ययन है कि भोजन का सेवन हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। डायटेक्स मतलब होता है। इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस बात का अध्ययन है कि शरीर के कारण होने वाले संक्रामक रोगों से कैसे बचाव होता है। प्रोटोक्टिलॉजी क्या है, यह चिकित्सा विशेषता है। समझ बात को, तो बात आप समझ लीजिए कि तीनों दी गई हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। क्या होगा, पहले वाला हो गया एपिडेक्टोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। बात समझ आई ना, ये हो गया, ये पढ़ लेना अच्छे से। आइए आइए क्वेश्चन अगला है, क्या लिखा, स्वचलित वर्षा सेंसर के खाली स्थान सिद्धांत पर काम करते हैं। जो स्वचलित वर्षा सेंसर होते हैं किसके सिद्धांत पर काम करते हैं, इस बात को आप जानना है कि स्वचलित वर्षा सेंटर होते हैं उनके किस आधार पर चलता है, इस बात को आप बताना है कि देखिए कहता है कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर, व्यवधान पर और बिखराव पर, अपवर्तन पर। तो ये स्वचलित सेंसर होते हैं, ये आपके हमारे हिसाब से कुल आंतरिक से बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर लागू होता है, ठीक है। आइए देख लेना, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना, यहाँ पर दो चीज़ें होती है। देखो एक तो आप पढ़ो रिएक्टर स्केल ही पढ़ा है आपने, और मर्केली स्केल पढ़ा था। तीव्रता मापने, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इस बात ध्यान देना। यहाँ पर दो क्वेश्चन में डाउट लगता है मुझे, लेकिन आगे एक्सप्लेन में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिखा है एक्सप्लेन, तो क्या देखिए यहाँ मैंने लिखा है, देखो देखो भूकंप का परिमाण मर्केली स्केल से मापा जाता है और तीव्रता का पैमान मर्केली के नाम पर रखा गया। भूकंप का परिमाण क्या है, मर्केली स्केल, मतलब स्केल से मापा जाता है, और तीव्रता का नाम मर्केली स्केल द्वारा ही रखा गया। और भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक मशीन से मापा जाता है, जिसमें आपको पता है भूकंप जब भी आता है तीन प्रकार की तरंग देता है, PSL, ये तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, इनको आप अच्छे ध्यान दे लीजिए थोड़ा, ठीक है। आगे देखियो, आइए बोतल बनाने के में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये तो कॉमन सा है, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन होगी आपके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन कहता है शाकीय विज्ञान किस के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। शाकीय मतलब साग सब्जी, जी आपकी हो जाएगी सब्जियों के लिए। आइए आगे देखें, वह अकेला अधातु तत्व कौन सा है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म होता है, तो भैया आपका Hg है। फ्रेंसियम का फॉर्मूला होता है कैपिटल F स्मॉल r F। हीलियम का मतलब होता है He। ब्रोमिन लिखो, ब्रोमिन होता है यहाँ होता है Br, और पारा का मतलब होता है मरकरी। आपको बता दें सभी की सभी धातुएं लगभग में ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो ठोस नहीं होती है, अर्थात यह लिक्विड फॉर्म में होती है वाली मरकरी, इस बात को आप ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है आपको, मरकरी कैसी होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, आइए नेक्स्ट क्लास और अच्छी रहेगी आपकी, परेशान ना होना कोई बच्चा क्लास देखकर कर अरे मज़ा नहीं आया सर ने सही नहीं पढ़ाया ऐसा वैसा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस एक बार मौका तो दीजिए। आप देखिए जब आप लोग अच्छा करके करने के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा भी अच्छा मन लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है ऑरल जिसे बोलते मेडुसा, एडमेसिया जिसे बोलते पॉलिप, किस समुदाय का, जी भाई सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेटा। आप देख लीजिए आपको एक्सप्लेन मिल जाएगी समथिंग मिल जाए, आप देखो एक्सप्लेन इसका रहा नहीं बच्चों, समझ रहे बच्चों, इसका एक्सप्लेन है नहीं यहाँ पर। चलो नेक्स्ट एक्सप्लेन दे देंगे हम आपको नेक्स्ट टाइम पर, आप परेशान नहीं होंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से आप पढ़िए और देखिए कहाँ आपको हमारी ज़रूरत है और हमें आपकी कहाँ ज़रूरत है। लेकिन इस बात को ध्यान देना, ये आप खुद जानते हैं,
आप मैंने अभी 15 क्वेश्चन करवाए हैं, आप अपने आप को खुद जांच लीजिए आपने 15 में से कितने आंसर दिए सही। ठीक है, नेक्स्ट पी वाई क्यू हम फिर लेकर आएंगे और आपको समस्या होगी तो हम आपकी वहाँ पर फिर मदद करेंगे। ठीक बच्चों, समझ में बात मेरी आई हुई, क्लियर है, कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए। ये आपके कॉन्स्टेबल से लेकर एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको इनसे सरलता प्राप्त होगी। बात समझ आ रही हमारी बात को? इसलिए अगर आप नए हो तो ये मत सोचें कि सर ने अभी हम यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैं लेकिन ये गारंटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन सभी यहाँ से अच्छे मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम आपको फिर। धन्यवाद, जय हिंद।